की आग में पूरा बांग्लादेश झुलस रहा है और राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया है। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और फिलहाल भारत से किसी और देश में राजनीतिक शरण के इंतजार में है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की रिहाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं और इधर अमेरिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। आखिर सवाल यह है कि ये किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है बांग्लादेश, खास रिपोर्ट देखिए। हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद आखिरकार बांग्लादेश में वही हुआ जिसका डर था। बंदूक की नोक पर सेना ने बांग्लादेश में प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और कमान अपने हाथों में ले ली। चार बार के प्रधानमंत्री शेख हसीना को महज 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया और फिर आनन फानन में शेख हसीना ने पहले तो पीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया और फिर बोरिया बिस्तर समेटते हुए सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के पास आ पहुंची। वहीं बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया, सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी, तो वहीं अमेरिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अंतरिम सरकार के गठन की बात की। पिछले दो महीनों से जारी आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग ने बांग्लादेश में पूरी सियासी तस्वीर बदल दी। पीएम को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जान बचाने के लिए देश तक छोड़ना पड़ा। शेख हसीना भारत में ही हैं और सूत्रों के मुताबिक स्थायी शरण के लिए उन्हें यूके सरकार से मंजूरी का इंतजार है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग किस कदर फैल चुकी थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। पीएम हाउस में जमकर पार्टी की, संसद में घुसे, मनमानिया की, बतख मुर्गी तक ले उड़े और तो और बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्रिकेट कप्तान के घर को आग के हवाले कर दिया गया और ना जाने कितने ही वाहनों को फूंक डाला गया। वहीं बड़ी तादाद में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में करीब 8% आबादी हिंदू मंदिरों की है और इस उथल पुथल में वो सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई शेख हसीना के फैसले को जिम्मेदार मान रहा है तो कोई युवाओं के आंदोलन को, तो वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के हालात बिगाड़ने में मदद की। बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो तैनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। पाकिस्तान इस तरह की काम जरूर कर सकता है। इन सब के ऊपर जो आग में घी पड़ा होगा वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं लिया इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एम्बिशन जग गई कि यस, इस समय एक वो सिचुएशन बनती जा रही है जहां आर्मी चीफ अपना पर्सनल एजेंडा और आर्मी एज सच ओवरऑल एजेंडा को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकती है। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी सेना ने 10 सदस्यीय सरकार के गठन का ऐलान किया है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया और कहा कि 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। नई सरकार आर्मी चीफ के नेतृत्व में ही बनेगी। सेना बांग्लादेश में शांति बहाल करेगी। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने कहा कि हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है, हिंसाग्रस्त इलाकों में भी सेना की तैनाती की जा रही है। सेना का दावा है कि आज से बांग्लादेश में कर्फ्यू खत्म हो जाएगी और स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। आरक्षण
आरक्षण पर संग्राम, सेना ने गिराई सरकार, बांग्लादेश में गदर, तख्ता पलट के आखिर कितने प्लेयर। दरअसल आरक्षण के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में बवाल कर रहे थे, जिससे ये हिंसक आंदोलन चल रहा है। इसकी वजह है स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कोटा मिलना। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा और कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में हंगामा हुआ। बांग्लादेश 1978 में आजाद हुआ और इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया था। साल 2018 में 4 महीनों तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया, जिसके विरोध में ये सब हो गया। मगर सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है या फिर बर्निंग बांग्लादेश का भारत पर क्या असर पड़ेगा। हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो पहले स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, बाद में कोई मतलब इस मौका छीन के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि जमात इस्लामी और ये ऑपोजिशन बीएनपी पार्टी भी दाखिल हुए, और वो देखते हुए हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस मतलब इस इन मामलों में हुआ होगा। पर यही है कि बांग्लादेश में शांतिशील एनवायरनमेंट सुरक्षा होना हमारे देश का हित में है। तो वहीं शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे बाहरी ताकतों का भी हाथ माना जा रहा है। इनमें एक अमेरिका और दूसरा चीन बताया जा रहा है। दोनों ही देश लंबे समय से बांग्लादेश को एक दूसरे के खिलाफ अपने पाले में करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और ढाका में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटे थे। वहीं ताकत और प्रभुत्व की वैश्विक रस्साकशी में खुद को एक दूसरे के हाथों कठपुतली बनता देख कर बांग्लादेश के शेख हसीना ने न सिर्फ खुद को निष्पक्ष रखा बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसी सभी कोशिशों का खुलकर विरोध किया, जिससे तिल मिलाई महाशक्तियों ने शेख हसीना को हटाने की साजिश रची। बांग्लादेश में सियासी हालात को लेकर भारत सरकार की पैनी नजर बरकरार है। उथल पुथल के इस दौर में घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार अलर्ट है। सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा को भी स्थगित कर दिया गया है। क्या बांग्लादेश का हश्र भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा? क्या लोकतंत्र पर बांग्लादेश में आखिरी कील ठोक दी गई है? ऐसे कई सवाल दुनिया के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं और बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट से आपने बांग्लादेश की स्थिति समझी, लेकिन अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर रहेंगे। 2 दिनों तक वो अयोध्या में ही रहने वाले हैं और इधर लगातार एक्शन की तैयारी की जा रही है। एक के बाद एक आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सख्ती दिखाई है और आज वो अयोध्या पहुंचेंगे। 2 दिन तक यहीं पर रहने वाले हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया जहां एक मासूम के साथ रेप की वारदात हुई और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और अधर्म पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो वहीं रामनगरी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लेकिन इस पर सियासत इस कदर हावी हो चुकी है जहां समाजवादी पार्टी अपने आरोपों से बचने के लिए पलटवार कर रही है और ये कह रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से कि आखिर मुसलमानों के ही खिलाफ क्यों नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सियासत कुछ इस कदर हावी है। एक तरफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही मोहित खान है जिसने उस 12 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है, और 2 तस्वीरें आपके सामने आरोपियों पर किस तरह सरकार का प्रहार जारी है वो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीएनए वाली सियासत जारी, यानी कि अखिलेश यादव ने
यहां डीएनए की मांग कर दी इस पूरे मामले को लेकर के।